सुजैन कैंडिडेट्स कैसो सभी से भी बढ़िया। इंडियन नेवी फाइनल कट ऑफ के बारे में थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही कैंडिडेट पूछ रहे थे और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बात करना बनता भी था, और इसका वैसे मैंने ज़्यादा कुछ वो नहीं किया बट आपको काफ़ी सारा आइडिया दे दूंगा, ठीक है। और क्योंकि हमें यहाँ पे डेटा फिक्स नहीं पता कि हाउ मैनी कैंडिडेट्स क्लियर द इंडियन एयरफोर्स फेस सेकेंड एग्जाम, बट आई नो कि इस बार 15,000 से ज़्यादा कैंडिडेट ने क्लियर किया था। तो अपने अकॉर्डिंग मैंने, क्योंकि 15,000 प्लस रजिस्ट्रेशन नंबर जैसे हम फॉर्म फिलिंग का देखते हैं, कोस्ट गार्ड का, इंडियन नेवी का, इंडियन एयरफोर्स का, उसी बेसिस पे आप रजिस्ट्रेशन नंबर पे देख सकते हो 15,000 प्लस कैंडिडेट ने फेस सेकंड क्लियर किया था। देखो अपना डेटा ले सकते हैं कि सर लगभग 15,000 कैंडिडेट ने फेस सेकंड एग्जाम क्लियर किया था, मतलब फेस फर्स्ट क्लियर किया था। फेस फर्स्ट मतलब रिटन एग्जामिनेशन। और जैसा कि जानते हो जब नॉर्मल आपका रिजल्ट आता था तो वैकेंसी 2,800 होती थी, तब आपका 10,000 कैंडिडेट क्लियर करते थे, ठीक है। लेकिन इस बार मोस्टली मैं ये क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि भाई पहले पिछले 3 से 3 साल लगभग से वीडियो बना रहा हूँ, इतने ज्यादा कमेंट्स नहीं थे कि अश्विया मेरा हो गया मेरा हो गया, और इस बार मोस्टली सभी ऐसे कैंडिडेट के कमेंट्स आए कि हो गया। चलो सर ठीक है, सबसे पहले 01/01/2023 बैच के लिए है यहाँ पे, और उसके बाद इम्पोर्टेंट चीज क्या है वो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे टोटल वैकेंसी जो है 1400, उसके बाद यहाँ पे टोटल अगर मैं गर्ल्स की बात कर लेता हूँ तो 280। अब सर यहाँ पे एक चीज चेंजमेंट हुआ है, पहले वैकेंसी आती थी 2800, गर्ल्स की यहाँ पे कोई वैकेंसी नहीं होती थी, बट अभी क्या है यहाँ पे 1400, इसी में आपका 280 वैकेंसी है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे जो चीजें महत्वपूर्ण मैं सारी की सारी आपको बताऊंगा, ओके। पेपर आपका हुआ, सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ तक कम्प्लीट हो चुके, आप पेपर दे चुके हो। पेपर के बाद आपका यहाँ पे आ जाते हैं फेज सेकेंड पे। यहाँ पे इस बार इन्होंने ये मेंशन नहीं किया था कि कितने कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर ठीक है, एग्जामिनेशन फी ठीक है। स्टेज सेकेंड के बारे में बात, यहाँ पे इसी के बेसिस पे देखो यहाँ पे लिखा हुआ कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी ओके ओके। स्टेज सेकंड के लिए, स्टेज सेकंड में रिटन एग्जामिनेशन हुआ, पीएफटी हुआ, मेडिकल हुआ। स्टेज सेकंड जो होगा नेवी के सेंटर पे हुआ, बात बिल्कुल सही थी, ये फिजिकल भी आपका कंप्लीट हुआ। चलो हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। इस समय री मेडिकल एग्जाम आपके कंटिन्यू है, एज यू ऑल ऑफ नो, जैसे कि मैंने आपका नेवी का फिजिकल मतलब पेपर का, एग्जाम का मतलब एग्जाम के बाद आपका आपका फेज सेकेंड का, फेस सेकेंड के बाद आपका मेडिकल का, अभी री मेडिकल चल रहा है उसका भी मैंने रिव्यू, दो सेंटर का रिव्यू शेयर किया है टेलीग्राम पर। और जैसे आप सभी को पता है री मेडिकल में मोस्टली जो पॉइंट मिले हैं वो आपका नोट्स पे या फिर ईयर पे, ईयर वैक्स का बहुत ज्यादा कैंडिडेट को पॉइंट मिला है, ठीक। वो भी हम अभी डिस्कस करेंगे, एक मैं अंदाजा दे रहा हूँ। मेरिट लिस्ट जो बनेगी स्टेज सेकेंड, कहीं पे स्टेज फर्स्ट की बात नहीं की गई है, देखो यहाँ पे स्टेज सेकेंड। आगे बात करते हैं यहाँ पे फिजिकल फिटनेस टेस्ट और मेडिकल एग्जामिनेशन केवल क्वालिफाइंग है, ये दोनों चीजें क्या अपने लिए क्वालिफाइंग ही है। अगर आप इसे ज्यादा कुछ समझ रहे हो तो फिर आप गलत है। आगे मेल एंड फीमेल दोनों के लिए है, और यहाँ पे जो वैकेंसी होती है स्टेट वाइज मेरिट आपका बनता है, स्टेट वाइज। ऐसा नहीं कि भाई सारे के सारे हरियाणा और राजस्थान वाले जाने वाले हो, ठीक है, आसाम से भी जाएंगे, गुजरात से भी जाएंगे, नागालैंड से भी जाएंगे आपका, और इधर साउथ में आ जाओ तमिलनाडु, आंध्र, केरला, हर एक स्टेट से कैंडिडेट को जाया जाएगा। द कट ऑफ मार्क्स फॉर इंस्टीट्यूट कॉल ऑफ डेटा फॉर फाइनल रिजल्ट एंड वगैरह वगैरह, ओके ठीक है, डिफरेंट होती है, स्टेट वाइज वेरी वेरी करती है, ओके 2023। सेकेंड थिंग यहाँ से अपनी क्लियर हो गई कि सर जो आपका मेरिट जाती है वो लगभग हर एक स्टेट का कहाँ पे जाती है, डिफरेंट डिफरेंट जाती है, और जो पेपर के बेसिस पे ही आपका मेरिट बनेगा। पेपर कितने मार्क्स का था, 100 मार्क। पेपर कितने मार्क का था, 100 मार्क का। अभी री मेडिकल एग्जाम चल रहे, भैया एक चीज और बता दीजिए, आपके दिमाग में आ रहा होगा मेरिट कब आ रही है, मेरिट कब आ रही है, तो अब मैं आपको बता देता हूँ, लगभग 25 मई तक आपका मेरिट मैक्सिमम होगा, 25 मई तक आपका आ जाएगा, क्योंकि 15 तारीख तक आपका फेस सेकंड हुआ है, उसका जो 15 को मान लो जिनका 21 दिन का, अगर जिनका 15 को उनका 21 दिन को री मेडिकल मिला, तो 15 से 21 आप जोड़ लो, 15 दिन इधर हुए और लगभग 5 दिन आप मिड मई उन्होंने वैसे बोला है, तो आप मान लीजिए 20 से 25 मई तक मैक्सिमम है कि आपका मेरिट लिस्ट आ जाएगा, ठीक है, 20 से 25 मई तक आपका मैक्सिमम है कि आपका मेरिट लिस्ट आ जाएगा। और इसी वजह से जो पोस्ट गार्ड का मेरिट का वेट कर रहे हैं उनका, तो ये मेरिट का हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, उसी दिन आपका मार्क्स। अब सिलेक्शन की बात करते हैं, टोटल सिलेक्शन कैसे क्या होगा, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा और ये मैंने ओपन कर लिया, अब आ जाती है भैया कट ऑफ वाली बात। देखो मैं आपको कुछ चीजें पहले बता देता हूँ, ठीक। अभी तक क्या था, पहले 2800 वैकेंसी होती थी, लगभग 10,000 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया जाता था, ओके। अभी क्या है इस बार वैकेंसी 1400, जिसमें गर्ल्स भी हैं 280, और उसके बाद यहाँ पे हमें ये नहीं, पहले हमें यहाँ पे पता था होता था कि 10,000 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया गया, जो ऑफिशियल पे लिखा होता था, इस बार ऑफिशियल पे कुछ नहीं लिखा, तो यहाँ से हम क्लियर डेटा पता कर पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। दूसरी बात,
यहाँ पे एक और टॉप आपको अंदाजा देता हूँ, जब यहाँ पे देखो पेपर ऑनलाइन होते थे, जब पेपर ऑनलाइन सभी लोग पेपर देते थे, तो कट ऑफ हरियाणा जैसे स्टेट का 65 गया है, यूपी जैसे स्टेट का 50 नंबर तक गया है, और अगर मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे अगर एमपी और उसके बाद एमपी यूपी के अगल बगल के जितने होंगे बिहार, यहाँ पे सब 50 50 50 वाले हैं, टॉप पर अपना हरियाणा था, उसका राजस्थान 55 नंबर के साथ सेकेंड पोजिशन पे था। ठीक है, कॉमन स्टेट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, जहाँ से मोस्टली ज्यादा कैंडिडेट होते हैं, ये ऑनलाइन जब पेपर होता था, और इस बार ऑनलाइन पेपर हुआ, चलो ये ऑनलाइन पेपर खत्म हो गया। ठीक, यहाँ से मतलब इससे हमें वैसे भी मेरिट नहीं बननी, तो हम यहाँ पे ये चीज खत्म कर देते हैं। दूसरी नंबर वाली बात हम यहाँ पे कर लेते हैं, अब जो पेपर आपका ऑफलाइन होता था, अभी जो इससे पहले ये ऑनलाइन इस बार से आया, अभी इससे पहले ऑफलाइन जो पेपर होता था उसका मेरिट कैसे बनता है, वो चीज हम आपको बताते हैं। देखो ऑफलाइन जो पेपर होता था उसमें कैसे होता था, भैया परसेंट से आते थे, 90% फ्रॉम हरियाणा, 90% फ्रॉम राजस्थान, 90% फ्रॉम यूपी, एटलीस्ट एक मिनिमम, एक मॉडरेट, ओके, इफ यू कम फ्रॉम गुजरात देन आप 80% नंबर हैं, ठीक है, महाराष्ट्र देन 82% हैं, ऐसे 83% हैं, ठीक है, बिहार बिहार से नहीं, यहाँ पे कौन सा स्टेट था, बोल गया, दिल्ली, दिल्ली का 83% था, ठीक है, तो यहाँ से अगर इतना परसेंटेज है तो आपके एडमिट कार्ड आते थे, और वैकेंसी आपकी उतनी ही होती थी, वैकेंसी आपकी उतनी ही होती थी, 2800 पोस्टें, 2800 ही पोस्टें होती थी, लेकिन यहाँ पे परसेंटेज पे कैंडिडेट को बुला लेते थे कि 10,000 लड़कों को आओ, और उसके बाद 2800 वैकेंसी है भाई मेरे, ठीक, समझ रहे हो यहाँ पे, मैं आपको एक, क्योंकि भाई चीजें आपको बताई समझाई जा सकती हैं, और आप सोचो कि बिल्कुल एग्जैक्ट बता दें तो वो नंबर पता कर पाना बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है, उसके लिए तो आपको फाइनल वेट करना पड़ेगा, बस आपको नहीं पता है तो ये चीजें आपको यहाँ पे पता चल जाएंगी। ठीक, तो यहाँ पे 10,000 देख सकते हो, उसके बाद 2800 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया जाता था। हाँ, रनिंग के लिए टाइमिंग पहले 7 मिनट होता था, और अब जो रनिंग का टाइमिंग होता है वो 6:30 होता है। ठीक, तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट, यहाँ पे मतलब कैंडिडेट मान लो कि जैसे नॉर्मल रनिंग में 10% आउट होते थे, अब यहाँ पे 20% होंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट की ओर। अब हम एक पीछे वाले डेटा से, तब भाई अगर हरियाणा जैसे स्टेट का बात करूँ तो 40 नंबर पे फाइनल सिलेक्शन हो जाता था, क्योंकि वहाँ पे पहले ही 95% वाले का एडमिट कार्ड आया है, 95% वाले का मतलब वहाँ पे जो 75 वाला है उसे पेपर ही नहीं देने को मिलता था, बाद में वो कितना भी पढ़ा उसको मतलब ही नहीं है, वो अपने वैकेंसी के बेसिस पे 40-45 नंबर पे, मैक्सिमम 50 नंबर किसी स्टेट का कट ऑफ जाता था जब ऑफलाइन पेपर होता है। ठीक, जब ऑफलाइन, अभी जो दो अटेम्प्ट ऑफलाइन हुए हैं उसमें निगेटिव मार्किंग पहला नंबर नहीं, गुजरात जैसे स्टेट पे 28 नंबर पे सिलेक्शन हुआ, 28 पे 100 पे 28 नंबर ले आओ, आसाम पे 30 नंबर ले आओ, ठीक है, यूपी जैसे स्टेट पे आपका 40 नंबर ले आओ, आपका सिलेक्शन हो जाएगा विदाउट निगेटिव मार्किंग, लेकिन आपके परसेंटेज 90 होने चाहिए, जब परसेंटेज पे एडमिट कार्ड आया है 10,000 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया तब इस बेसिस पे आपका कट ऑफ बना था। ठीक, अब इस बार तो भाई जिसका 60% था वो भी पेपर देने गया था पेपर, और जिसका 90 था वो भी देने गया। ठीक, तो यहाँ से हमें चीजें एक बार ये समझ में आई कि चलो अब ये प्रीवियस डेटा था, कि इससे आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि हाँ पहले अच्छा इतने नंबर पे होता था, अब चलो अब मैं एक अंदाजे से यहाँ पे मैं फाइनल टास्क पे आते हैं, आपको कुछ चीजें मुझे जो बतानी थी समझानी थी कि प्रीवियस इस तरह से चीजें आपकी कराई जाती थी, उसमें 10,000 लड़कों में से 2800 लड़कों को लेना होता था, और जिसमें सारे के सारे टास्क होने थे, रिटर्न होना था, फिजिकल होना था, मेडिकल होना था, फिर फाइनल मेडिकल होना था। ठीक, ये सारे के सारे टास्क होते थे, अंतर कुछ भी नहीं था, पेपर में निगेटिव मार्किंग नहीं थी यहाँ पे, और अभी जो आप पेपर देखे हैं वो यहाँ पे भी निगेटिव मार्किंग। अब फाइनल इस बार वैकेंसी देखो, इस बार जो अपनी वैकेंसी है 1400 वैकेंसी है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, जितने भी स्टेट हम गुजरात से शुरू करते हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है, मिजोरम, ठीक है, इधर से चलो गुजरात, ठीक है, गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, ठीक है, ऐसे चल के हम इधर भी चल सकते हैं, जितने यहाँ पे जो स्टेट बने, ठीक है, आंध्र हो गया सामने, यहाँ पे अपना तेलंगाना हो गया, ठीक, ऐसे करके जितने भी स्टेट है, इधर कर्नाटक हमने कर दिया, जितने भी यूपी के स्टेट है, छत्तीसगढ़ हो गया इधर आपका, तो जितने भी यूपी के स्टेट है ऑल ओवर सभी स्टेट में होगा क्या, गर्ल्स का और बॉयज का अलग अलग कट ऑफ जाएगा। ठीक, अब जैसे मैं आपको वेस्ट बंगाल का बताता हूँ, वेस्ट बंगाल पे लगभग 50 वैकेंसी होती थी जब 2800 पोस्टें होती थी, ठीक, और यूपी पे लगभग 90 पोस्टें होती थी जब मतलब 2800 पोस्टें होती हैं, लेकिन सेपरेट ये हमें कब पता चलता है, जब फाइनल रिजल्ट आता है, कैंडिडेट का डेटा आता है तभी पता चलता है, ऐसे तो कुछ भी नहीं पता चलता। अब इस बार 1200 पोस्ट है,
ठीक 1200 पोस्ट है यहाँ पे, और 1200 पोस्ट में लड़कों के बेसिस पे बोल रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। गर्ल्स भी मान लो आप अगर मैं जो बताऊंगा उसमें से 5-5 नंबर आप कर लीजिएगा कम, उसी बेसिस पे आपका भी कट ऑफ रहेगा अगर कोई वीडियो देख रहा है, ठीक। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, 1200 जो थे कैंडिडेट, 1200 जो लड़के थे, 1200 लड़कों के बेसिस पे ही आपका कट ऑफ बनेगा। अब मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ, यहाँ पे आपको चीजें समझ में कि हर एक स्टेट का सेपरेट कट ऑफ बनेगा। प्रीवियस में जब 28 वैकेंसी होती थी तब स्टेट वाइज कितना कट ऑफ जाता था, ठीक है, अब स्टेट वाइज कितना कट ऑफ जाता है, तो सारी की सारी चीजें अलग हैं। वैकेंसी आधी हो गई है, कैंडिडेट ज्यादा शॉर्ट लिस्ट कर लिए हैं, तो उस बेसिस पे। तो इस बार वैकेंसी 1200 हमने निकली, लगभग 15,000 कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट कर लिया। बहुत लोगों को यही लग रहा होगा भैया 15,000 डाटा आपका गलत है, तो आप बता दो एग्जैक्ट कितने क्लियर किए हैं, ठीक है, अगर आपको पता है, आपको नेवे ने बताया है, ठीक। तो ये वाली बात है, 15,000 ऑलमोस्ट हमने लिए हैं। मैं कहता हूँ पहले दिन फिजिकल बहुत डिफिकल्ट सुनने को मिला, बहुत डिफिकल्ट सुनने को मिला कि ऑलमोस्ट 30% है, लेकिन एट लास्ट जैसे जैसे गाड़ी अपनी पहले मतलब अपना मान लो कि है शेयर मार्केट है यहाँ से, पहले दिन मान लो गाड़ी बिल्कुल ऐसे आ गई, फिर तो धीरे धीरे ऐसे ऐसे चली, ऐसे ऐसे चली, फिर ऐसे भी गई है, फिर थोड़ा ऐसे आई है, फिर ऐसे 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 चलती रही है, ठीक है। मतलब मैं एक एवरेज अगर लड़कों को बाहर करूं तो लगभग 50% आउट हो जाते हैं ऑल ओवर इंडिया। बचते हैं कितने सर, 7500 के। मैंने ये मुझे ऐसे नहीं, मैंने कॉपी पे सारी की सारी चीजें लिख रखी है, बस टाइप नहीं की, क्योंकि टाइप करने के लिए बहुत टाइम लग जाता भाई मेरे, ठीक है, टाइप करने के लिए बहुत टाइम लग जाता। 7500 अपनी वैकेंसी बची, ठीक। अब 7500 जब अपनी वैकेंसी बची है तो यहाँ पे किन किन स्टेट से, अब देखो 7500 मैं कहता हूँ चलो इसमें बाहर होंगे, पता है 7500 मतलब फिर सेकंड में बाहर हो गए। अब बचे हैं 7500 में, अब आपका मतलब पेपर तो क्लियर कर ही चुके हैं, ठीक, पेपर सभी दे के आओ, पेपर से ही कट ऑफ बनेगा। उसके बाद मैं कहता हूँ 7500 1500 को रीमेडिकल मिला है, ठीक, 1500 को रीमेडिकल मिला है, रीमेडिकल में भाई 500 बाहर हो जाएंगे, और ज्यादा मैं लोग कहता हूँ मैं 1000 लड़के बाहर हो जाएंगे, लगभग 1500 में 5000 तो 6000 लड़के बचे, ठीक, 6000 अभी भी बचे हुए हो। अब 6000 पे बनेगा आपका मेरिट, लेने कितने 1500 टोटल, मैं गर्ल्स एंड बॉयज दोनों को यहाँ पे मतलब जोड़ के चल रहा हूँ, क्योंकि भाई एक एवरेज हर एक स्टेट पे बताना कि इतना इतना वैकेंसी नहीं क्लियर ना, इस बेसिस पे बता रहा हूँ चीजें, ठीक। अपने पास डेटा भी नहीं है कि फेस सेकंड में कितने कैंडिडेट क्लियर किए हैं, ठीक, नैवी ने हमें बताया है उस बेसिस पे। अब 6000 लड़के बचे हैं, अब 6000 में जैसे यूपी जैसे स्टेट पे बात करूं तो यहाँ पे 60-70 वैकेंसी होगी। हरियाणा के लड़के भी ऐसे सोच सकते हो, मतलब आप मान सकते हो कि लगभग आपके भी स्टेट में ऐसे ही 60-70 होगी। ये नहीं होता कि आपका स्टेट बड़ा है, वेस्ट बंगाल पे भी ऐसे 50 तक पोस्टें होंगी, ठीक है, ये नहीं कि आपका स्टेट बड़ा है तो आपके स्टेट में ज्यादा पोस्टें जाएंगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता। नवी का अपना वो होता है कि इक्वल रेशियो चले हर एक स्टेट से लेके, तभी ये स्टेट वाइज वैकेंसी जाती है, अदरवाइज इंडियन एयरफोर्स की तरह जो टॉपर है उनको उठाने, ठीक है। तो नवी का यही सीनेरियो है तो कि हर एक स्टेट से इक्वल लिया जाए। हाँ कुछ हो जाता है, जैसे असम पे मतलब 30 मान सकते हो, राजस्थान पे 70 मान सकते हो, पोस्टों का मैं बता रहा हूँ, पोस्ट का एक सिनेरियो, ठीक। तो अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि जो अब लगभग अपने 6000 कैंडिडेट बचे हैं, 6000 में जो भी कैंडिडेट आउट होंगे, जो भी कैंडिडेट आउट होंगे वो कहाँ कहाँ से आउट, थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो गया उसके लिए सॉरी, ठीक है, लेकिन मैं बस 2-3 मिनट में खत्म करता हूँ, ठीक है। अब मैं बता देता हूँ आपको चीजें अच्छे से, जो भी कैंडिडेट जो 6000 में आउट होंगे वो देखो, सबसे पहले तो आउट होंगे आपका फाइनल मेडिकल एग्जाम होगा, लेकिन इससे पहले आपका मेरिट आ जाएगा, ठीक है। तो इसके बारे में तो फाइनल मेडिकल में बाद में ही बात करेंगे। लगभग 6000 में मैं कहता हूँ नेवी 2000 लड़कों को सिलेक्ट करेगा, अभी वो 4000 लड़कों को बाहर करेगा, किस में बाहर करेगा सर, मेरिट में ही बाहर करेगा। तो आप अगर इन स्टेट से आते हो, यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, या फिर आप यहाँ पे महाराष्ट्र हो गया, राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, बिहार हो गया, एमपी हो गया, इन स्टेट से आते हो, ठीक है, तो अभी पहले जैसा सिनेरियो नहीं बचा है कि भैया 30 नंबर पे सिलेक्शन हो जाएगा, यूपी से 40 नंबर पे सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि तब 40 पे तब होता था कि 10,000 में 2800 को बुलाया जाता था, ठीक है, उसमें कुछ फिजिकल में फेल हो जाते थे। अभी क्या, जैसे यूपी जैसे स्टेट से हो, हरियाणा से हो, राजस्थान से हो, तो भाई मेरे आपको लगभग मेरे अकॉर्डिंग 60-65 क्वेश्चंस राइट करने होंगे, बिकॉज देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। 60 नंबर तक अगर आपके होंगे, 60-65 क्वेश्चन अगर आपने पेपर में राइट किए होंगे तो डेफिनेटली आपका सिलेक्ट हो जाओगे, ठीक है। मैं आपको कुछ स्टेट का बता जरूर देता हूँ, लेकिन अगर आप इन स्टेट में इतना स्कोर नहीं कर पाए हो तो फिर आपके लिए दिक्कत हो सकती है,
ठीक है, तो मैं आपकी जानकारी के लिए, गुजरात से अगर आप जैसे बिलोंग करते हो आप अगर 40 नंबर तक हैं, महाराष्ट्र से अगर आप बिलोंग करते हो लगभग 45 नंबर, 40-45 के बीच, इतने 45 के 50 तक आपके राइट होना चाहिए। क्योंकि मैं कहता हूँ ना भाई कि अगर आप 50 वैकेंसी भी आपके स्टेट में हुई ना, महाराष्ट्र से अगर आप बिलोंग करते हो 50 वैकेंसी भी आपके मतलब स्टेट में हुई ना, तो 50 वैकेंसी 50 नंबर ही तो लाने। और जीके इतना पेपर का रिव्यू मैंने देखा है, पेपर मैंने क्वेश्चंस नहीं शेयर किए क्योंकि नेवी की तरफ से कहा गया कि मतलब मत शेयर करिए, कैनेट से मेरा बात हुआ तो उधर से, इस वजह से क्वेश्चंस नहीं से, मैंने क्वेश्चंस जैसे प्री में आया तो वैसे यहाँ पे आया, जैसे आपने पहले एग्जाम दिया तो वैसे ही दिया था। तो इन एवरी स्टेट आप कहीं ना कहीं अगर 60-65 नंबर हैं, यूपी भी ये जो स्टेट लिखे हुए हैं ठीक है, राजस्थान, दिल्ली, उसके बाद उत्तर उत्तराखंड, और उसके बाद अगर झारखंड, छत्तीसगढ़, और उसके बाद अगर और भी स्टेट, उड़ीसा ठीक है, इन जैसे स्टेट, तेलंगाना हो गया, इधर आप जैसे नीचे आएंगे तो थोड़ा 50 तक मान लो, यहाँ पे 50 मान लो, ऊपर इधर ईस्ट के अगर स्टेट एक कॉमन में हो, अगर आप ईस्ट के स्टेट से कहीं से बिलोंग करते हो तो अगर आपके 45 नंबर तक आ रहे हैं तो सेव है। अगर आप मिडिल में हो कहीं से ठीक है, मध्य भारत से अगर बिलोंग करते हो ठीक है, इधर आप यूपी से जो बॉर्डर शेयर करते हैं, यूपी से आसपास जितने भी हैं, अगर इधर से आसपास हो तो मेरे अकॉर्डिंग आपके लिए बिल्कुल बेहतर ऑप्शन है कि अगर आपके पास 60-65 क्वेश्चन आए क्या तो आप बिल्कुल सेलेक्ट हो ठीक। तो ये एक मैंने मतलब डेटा, वैसे वैसे तो काफी सारी चीजें नहीं मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट बताई जा सकती है, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट होगा, आपको भी चीजें समझ में आ रही होगी क्योंकि कुछ भी क्लियर नहीं है ठीक। तो उस बेसिस पर प्रीवियस चीजें आपको बताएं कि पहले क्या जाता था, इस बार क्या जा सकता है। हाँ, और अगर आप बीच के स्टेट से बिलोंग करते हो जो मैंने बताया ठीक है, इंडिया में अगर मिडिल से आप बिलोंग करते हो, मैं आपको 4, 1, 2, 3, 4 और ये मिडिल ठीक, तो इधर इधर के जितने भी स्टेट हैं, आसाम हो गया ठीक है, और आप बोल सकते हो क्या हो गया, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया ठीक है, मिजोरम हो गया, इधर ऊपर अरुणाचल प्रदेश हो गया, इधर के अगर स्टेट से आप बिलोंग करते हो तो आपके अगर 40 तक होंगे तो सही हो। फिर तो अगर आप साउथ से बिलोंग करते हो, साउथ से अगर आपका आंध्र हो गया, केरला हो गया, उड़ीसा हो गया ठीक, इधर के अगर आप स्टेट से बिलोंग करते हो तो आप अगर कहीं ना कहीं 50 नंबर तक हो तो ओके हो, लगभग ठीक है। और अगर आप इधर से कहीं ना कहीं बिलोंग करते हो, इधर अगर बिलोंग करते हो, अगर हरियाणा हो गया या फिर गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, जो इधर के बॉर्डर हो गए, इधर से अगर आप गुजरात का थोड़ा खैर कट ऑफ 50 नंबर तक रख सकते हो, लेकिन दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, यहाँ पर वाले कैंडिडेट को लगभग 60-75 मतलब 60-65 तक स्कोर करना ही पड़ेगा ठीक है, तभी आपका सिलेक्शन, क्योंकि पहले के मुकाबले वैकेंसी कम है। और यहाँ पे बोलो कि भैया इतना क्यों बता रहे, क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं थी पेपर में, इतने कुछ कैंडिडेट काफी ठीक ठाक होंगे तो उस बेसिस पे इतना कट ऑफ आपका जाने वाला है। बाकी ऊपर के जो स्टेट आ गए, हिमाचल हो गया, उत्तराखंड हो गया ठीक है, ये जो ऊपर के स्टेट हो गए, इधर वाले भी कैंडिडेट को एटलीस्ट इतना तो स्कोर आपको करना ही पड़ेगा। अगर आपको लगभग मतलब 60-55 to 60 के बीच में हो तो एक अच्छा स्कोर माना जाएगा, 55 to 60 के बीच में हो तो एक अच्छा स्कोर माना जाएगा। बाकी कोई क्वेरी अगर आपकी हो तो डेफिनेटली आप कमेंट में मुझसे आस्क करिएगा, मैं आपके डाउट सॉल्व करूंगा। एक एक्सपेक्टेड अंदाजा दे दिया है और आपका मेरिट जब आ जाएगा तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। थोड़ा वीडियो लंबा हो गया इसके लिए सॉरी, बट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। इफ़ यू लाइक इट डेफिनेटली हिट द लाइक बटन, एंड जैसा भी लगा प्रीवियस डेटा एंड जो जो चीज़ें ठीक है तो जरूर लाइक करके बताइएगा। थैंक यू।